मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं ज्योतिष से संबंधित एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं एक बेसिक सा जो प्रश्न है, जो बहुत से लोग जो ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते या ज्योतिष में जिनको रुचि नहीं होती या जो रुचि लेना शुरू करते हैं, सबसे पहले उनका एक प्रश्न होता है कि कुंडली क्या है। तब बहुत से लोग जवाब दे देते हैं, भाई कुंडली देख के हम आपका भूत भविष्य और वर्तमान हम पता लगा लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही जो जवाब है वो सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। सबसे ज़रूरी है कि जब सामने वाला सेटिस्फाई होता है तभी वो आपके अंदर उसकी रुचि होगी कि आप उसका एक बेसिक प्रश्न है कुंडली क्या है, पहले उसका जवाब दें। कुंडली की जोत क्यों पड़ी, कैसे ये चीज़ है और कैसे काम करती है। हम कह देते हैं भाई 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्र ये कुंडली होती है और इससे हम आपके भूत भविष्य और वर्तमान का पता लगाते हैं। लेकिन आप जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं जानता, 9 ग्रह 27 नक्षत्र और 12 राशियां, उनको आप कैसे समझाएंगे। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा, कुंडली क्या है, कुंडली की इंपॉर्टेंस कैसे बनी और क्यों कुंडली की जोत पड़ती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुंडली के माध्यम से आपका जो है फ्यूचर देख के बता सकते हैं, आपका वर्तमान देख के बता सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे, वो तो बिना कुछ देखे ही, बिना कुंडली देखे आपके बारे में बता देते हैं। हस्तरेखा वाले तो सिर्फ हाथ देखकर आपके बारे में बता देते हैं, उन्हें तो कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हम इस कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझेंगे हम आम बोलचाल की भाषा में। एक ज्योतिषी भाषा के हिसाब से हम इसे नहीं समझने की कोशिश करेंगे, एक आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति जिसको ज्योतिष के बारे में नहीं पता, अगर आपने उसे समझाना है कि कुंडली क्या है तो आप इसे कैसे समझाएंगे। इस चीज को अगर हमें समझ लाए तो हमें आज की टेक्नोलॉजी को भी समझना होगा, समझाना होगा ऐसे व्यक्ति को, तभी आप उसे कुंडली के माध्यम से समझा पाएंगे। देखिए आज हमारे पास डिजिटल कैमरा है, हमारे पास हैंडी कैम है और हमारे पास एक से एक बढ़कर स्मार्टफोन है जो किसी भी मोमेंट को उसी समय कैप्चर करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो आज सबके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बढ़िया उपकरण प्रस्तुत है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ और आपने उसकी फटक से फोटो खींच ली, आपने उस मोमेंट को जब वो इस दुनिया में आया आपने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया और आपने उसे संजोकर रख लिया। इसके बाद आजकल बहुत से ऐप ऐसे भी हो गए हैं कि आप अपनी छोटी सी ऐप की फोटो डालते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत से जवान लोग डालते हैं कि आज आप 40 साल के हैं तो 20 साल बाद आप कैसे लगेंगे, वो थोड़े से आपके फेस में चेंजिंग करके ले आता है, आपके बाल सफ़ेद कर देगा, थोड़ी सी यहाँ पे जुरिया डाल देगा और आपको दिखा देगा कि अगर आज आप 40 साल के हो तो 60 साल बाद आप ऐसे लगोगे। बहुत सी ऐप्स मैंने फेसबुक पर ऐसे भी देखी है और दूसरे सोशल मीडिया पर भी देखी है कि वो बच्चों की फ़ोटो डालते हैं कि आज आप बच्चे हो तो जब आप 30 साल के बाद होगे तब आप कैसे लगोगे, और आज आप 30 साल के हो या 40 साल के हो तो जब आप बच्चे थे तब आप कैसे लगते थे। थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आगे आगे काम चलेगा तो हो सकता है कि इसमें और सटीकता आती चली जाए। आपने बहुत से लोगों ने ऐसी ऐप देखी होंगी, आपने कोई बच्चा पैदा हुआ उसी मोमेंट को आपने कैप्चर किया, उसकी फोटो ली, आपने उस फोटो को एक ऐप में अपलोड किया और आपने पता लगाया कि जब ये बच्चा 20 साल का होगा, टीनेजर की एज में होगा तब ये कैसा लगेगा, जब 40 साल में होगा तब कैसा होगा और जब ये बुढ़ापे में आएगा तब कैसा होगा। इसी चीज को हमने समझना है, यही काम हमारे ऋषि मुनियों ने आज से करोड़ों वर्ष किया। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटल कैमरे नहीं थे, हैंडी कैम और स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने ज्ञान से इन सब चीज़ों को किया। आज जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सब हमारी ऋषि मुनियों की ही देन है, बस उसका रूप, उसका स्वरूप बदल चुका है वही। कुछ
कोई जीव धरती पर पैदा हुआ, इस मोमेंट को कैप्चर करना था कि जब ये धरती पर आया तो ये किस प्रकार के कर्म लेकर आया है, किस प्रकार के संस्कार लेकर आया है, इसके बारे में जो ग्रह बोलते हैं वो ग्रह कैसे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, इस मोमेंट को कैप्चर करना था। इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ज्योतिषियों ने उस समय के जो हमारे साधु संत हमारे ऋषि मुनि थे उन लोगों ने एक गणित का पारदुपान किया, या ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को हमारे महर्षियों को दिया। उस गणित का यूज करके उस गणित का उपयोग करके उन्होंने उस मोमेंट को कैप्चर किया कि इस तारीख इस समय पर जब ये धरती पर जीव पैदा हुआ उस समय जो ग्रहों की जो स्थिति थी वो कुंडली में ऐसी थी। तो जिसे आप कुंडली कहते हैं उसे आप ये समझे कि वो उस मोमेंट पर खींची गई वो फोटो थी जो कुंडली के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो गई कि ये जीव आया है और इसका जो प्लेनेटरी जो फोटो है वो यही है। प्लेनेटरी स्थिति जब ये आया तब ग्रहों की स्थिति ऐसी थी, ये ग्रह यहां पे बैठा था और वहां पर बैठा था। अब ये उस मोमेंट की तो फोटो हो गई। अब जैसे मैंने बताया ना बहुत से ऐप ऐसे हैं आप उस पर छोटे में फोटो डालो, 20 साल बाद की 40 साल पीछे की फोटो लगा लो। अब इस चीज को ऋषि मुनियों ने इस चीज को भी गणना करनी थी कि जब ये चलेगा जब ये आगे बढ़ेगा बड़ा होगा तब इसके ग्रह कैसे कैसे चलेंगे, इसका जीवन कैसे कैसे रहेगा। तब ऋषि मुनियों ने इस चीज का और विस्तार किया, ग्रहों को नक्षत्रों में डिग्रियों में बांटा, महादशाओं का विस्तार किया, नक्षत्रों का पढ़ना शुरू किया, एक एक डिग्री वाइज सब चीजों को समझना शुरू किया। और तब जाकर उन्हें पता लगा जब ग्रहों को उन्होंने मूव करना शुरू किया तब जाकर उन्हें पता लगा कि ये चीज जब ये जातक 20 साल का होगा इसके साथ ये हो सकता है, 30 साल का होगा इसके साथ ये हो सकता है, 40 साल का होगा इसके साथ ये हो सकता है। तो जो कुंडली है आप उसे फोटो समझें कि ये जो कुंडली वो मोमेंट उस समय जो लिया गया था वो उस जीव की फोटो थी, उस बच्चे की फोटो थी। और जब हम उसे आप आगे चलाते हैं, जब हम ग्रहों को चलाते हैं, जब महादशाओं को पढ़ते हैं, ग्रह गोचर को पढ़ते हैं, तो आप उसे वो ऐप समझेंगे, वो ऐप थी जिससे हम उस जातक के भूत भविष्य और वर्तमान की हम स्टडी कर सके। ये था साधारण शब्दों में कुंडली को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए जिसको ज्योतिष के बारे में ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको भी अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कुंडली की क्या विशेषता है और ये किस प्रकार कुंडली बनती है और किस प्रकार कोई भी ज्योतिषी कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स किस प्रकार से वो स्टडी करता है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ नहीं है, वो हमारे ही भारत की देन है, हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है। बस वेस्टर्न कंट्रीज ने उस ज्ञान को चुराकर उसका स्वरूप बदलकर टेक्नोलॉजी के रूप में हमें पेश किया हुआ है, बाकी सब कुछ है वही जो हमारे साधु संतों ऋषि मुनियों की आज से करोड़ों वर्ष पुरानी जो देन थी। मित्रों मेरा ये छोटा सा प्रयास था ऐसे लोगों को समझाने के लिए जो ज्योतिष के विषय में अनाप शनाप बोलते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं शायद पर्याप्त शब्दों में या पर्याप्त उदाहरण के सहित आपको समझा पाया हूं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना भी मत भूलिएगा। मित्रों अगली बार फिर से आप लोगों के बीच एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।